देखिए प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल फर्स्ट प्रॉपर्टी पी वन, फर्स्ट प्रॉपर्टी है द एंगल द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, जो एंगल होते बेटा द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, गुड मॉर्निंग, इन एन आइसोसेल्स ट्राइंगल आर इक्वल, वो एंगल क्या होते बेटा इक्वल होते हैं। प्रॉपर्टी टू मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है ना, इसमें दो साइड अगर इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी, इफ अगर ऐसा है बेटा तो तब देन एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, इनके एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है ना। नाउ प्रॉपर्टी टू, प्रॉपर्टी टू इज प्रॉपर्टी टू में लिखा है इन एन आइसोसेल्स ट्राइंगल एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द बेस बाइसेक्ट बोथ द वर्टिकल एंगल एंड द बेस, समझ गए ना, समझ। मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं, इन एन चाहे वो आइसोसेल्स ट्राइंगल हो, आइसोसेल्स ट्राइंगल हो और या एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, कौन सा ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल, चाहे वो आइसोसेल्स ट्राइंगल हो चाहे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाएंगे द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स, किसी वर्टेक्स कोई अगर अपोजिट साइड पर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स, किसी वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए टू द बेस ठीक है ना, टू द बेस गुड मॉर्निंग बेटा बाइसेक्ट बोथ द वर्टिकल एंगल एंड द बेस, दोनों को वो क्या कर देता है बाइसेक्ट कर देता है। जैसे देखो बेटा ये ट्राइंगल है ए बी सी और मान लो ये इक्विलेटरल या आइसोसेल्स ट्राइंगल है, मैंने किसी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की, किसी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की डी, तो बेटा अगर जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे देन इफ
एडी क्या हो, परपेंडिकुलर बीसी, बीसी पे परपेंडिकुलर हो, तब आपको क्या होगा, बीडी इक्वल टू सीडी हो जाएगा एंड एंगल बीएडी, ये दोनों भी इक्वल होंगे, बीएडी इक्वल टू एंगल सीएडी। याद रखना बेटा, जब भी आइसोसेल्स ट्राइंगल हो तो उनके ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे और ए वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होंगे। ठीक है, कीप इन माइंड। प्रॉपर्टी नंबर थ्री, देखिए बेटा, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल इज 60 डिग्री। हर एंगल बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री, याद रखिएगा, है ना, कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री। आगे देखिए, देखिए बेटा एक्सरसाइज 13C निकाल, फर्स्ट का ए बेटा, राइट एंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल पता है कैसा होता है, राइट एंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल ऐसा होता है, इधर 90 डिग्री होता है और उसके टू साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा हमें बताओ, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या होंगे, इस देखो जब टू एंगल इक्वल हो, टू साइड इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं कि नहीं, तो इसको एक्स एक्स मान लो, लेट अदर एंगल बी एक्स, अदर टू इक्वल एंगल बी एक्स, टू इक्वल एंगल बी एक्स, अदर दो इक्वल एंगल हमने क्या मान लिया, एक्स। हाँ, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, वन एट्टी डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए एक्स, एंगल बी 90, एंगल सी बी एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, 2x प्लस 90 इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 180 माइनस 90, 2x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 45। तो क्या लिखेंगे बेटा, हेंस अदर एंगल ऑफ राइट आइसोसेल्स, एक एंगल तो हमको पता है ना बेटा, एक एंगल तो 90 होता है हमको पता है, लेकिन बाकी के दो एंगल क्या होते हैं वो बताना था, तो अदर एंगल ऑफ राइट आइसोसेल्स ट्राइंगल इक्वल टू 45 डिग्री, कितना डिग्री, 45 डिग्री। फर्स्ट का बी वाला पढ़िए बेटा, यस उसमें लिख दो, यस वी कैन ड्रॉ एन ऑब्ट्यूस ऑब्ट्यूस एंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल आइसोसेल्स सेल्स।
ट्राइंगल। देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, ए ड्रॉ हो गया बेटा, ए बी सी। एंगल भी क्या है, ग्रेटर देन 90 है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है बेटा, जहां पर 90 डिग्री से बड़ा एंगल बने। कितने डिग्री से बड़ा एंगल बने, 90 डिग्री से बड़ा एंगल बने, वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है। होता है सेकंड का पढ़िए बेटा, सेकंड का ए देखिए, द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल इज 110, व्हाट मस्ट बी द साइज ऑफ ईच ऑफ इट्स बेस एंगल। हाँ देखिए हम बता रहे हैं, सेकंड का ये वाला करवाना है ना, देखो बेटा आपको ये दिया है 110 डिग्री। और आइसोसेलस ट्राइंगल आप जानते हो क्या होते हैं, उनकी साइड इक्वल, तो उनके अदर टू एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आइसोसेलस ट्राइंगल के दोनों नीचे के एंगल, बेस एंगल क्या होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बेस एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, लेट अदर टू एंगल बी एक्स, इधर 90 की जगह क्या कर देंगे 110, 110, 110, इधर आएगा 70 और इधर कितना आएगा 35। हेंस अदर हेंस ये हो गया बेटा सेकंड वाला, बेस एंगल इक्वल टू 35 डिग्री। कितने डिग्री का बन रहा है बेस एंगल, 35 डिग्री। आगे सेकंड का बी पढ़िए बेटा, हाँ देखिए बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है कि जिसके सारे एंगल क्या हो, 60 डिग्री। ए बी सी। अच्छा हमें बताओ, हमें ए एक्सटीरियर एंगल का साइज बताना है ना। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको ए तो दिया ही है 60 डिग्री, दिया है कि नहीं दिया है। हाँ क्योंकि हर वी नो दैट, इधर लिख देंगे वी नो दैट ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। बेटा ये लाइन है, लाइन लाइन, और लाइन पे एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। लीनियर पेयर से 180 डिग्री हो जाता है, तो लिखेंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर। अब इसमें आपको किसका एंगल दिया, एबीसी का 60 डिग्री दिया, एबीडी नहीं दिया, तो एबीडी हम निकाल लेंगे। एबीडी कितना आएगा, 180 माइनस 60, तो एबीडी आएगा आपका
120 डिग्री, कितना आएगा 120 डिग्री। अब 120 डिग्री आपका एबीडी आया, इसका मतलब ये एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री। तो हेंस ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन हाँ देखिए, थर्ड वाले में लिखा है ए बी सी आइसोसेल्स, ए बी इक्वल टू ए सी, इफ एंगल ए इक्वल टू 80 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी। देखिए बेटा, ध्यान से देखना, थर्ड वाले में ए बी और सी ये लिखा है। अब इसमें बोल रहा है कि ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी क्या है ए सी के इक्वल, और एंगल ए कितना डिग्री है 80, ठीक है ना बेटा। जब दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं, उनके बेस एंगल इक्वल होते हैं, बोलो बताओ होते हैं, है ना। इनको एक्स एक्स मान लो, क्या मान लो एक्स एक्स, ठीक है ना। 110 की जगह क्या लिख दोगे, 80 लिख दोगे, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 50 डिग्री आ गया, हेंस एंगल b इक्वल टू कितना हो गया 50 डिग्री, क्योंकि एंगल b को ही तो हमने x माना था, एंगल b को x माना था कि नहीं माना था, ठीक है ना। आगे पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4। हेलो, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो बेटा। देखिए, वो बोल रहा है एक ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी ऐसा है, ए ए बी सी, और इसमें बेटा आपका देखो, इसमें आपका ए बी सी और एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, किसके इक्वल है, एंगल ए एंगल बी के। अब हमें ये बताओ बेटा, गिवन एंगल ए इक्वल टू एंगल बी,
बेटा एंगल बी के सामने वाली साइड कौन सी है? एसी। और एंगल ए के सामने वाली साइड कौन सी है? बीसी। तो ये दोनों साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। देखो इनकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। एंगल ए के अपोजिट, एंगल ए के अपोजिट बीसी, और एंगल बी के अपोजिट एसी। देखो ऐसा लिख देंगे, साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि जो एंगल इक्वल है उनकी अपोजिट वाली साइड भी क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है ना? तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, इक्वल एंगल की जो भी अपोजिट साइड है ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है ना? हेंस एसी एंड बीसी आर इक्वल। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन। देखो ध्यान से देखना बेटा, फिगर गिवन बिलो, ये नीचे फिगर दिया है बेटा क्वेश्चन फाइव का, ऐसा 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 के सी बी एन ए बी ए सी इक्वल टू 52 डिग्री, दिस इज 52 डिग्री, ए सी के इक्वल टू 84, ए सी के 84, दिस इज 84, बी सी के इज अ स्ट्रेट लाइन, प्रूव दैट एन बी इक्वल टू एन सी और ए एन इक्वल टू ए सी, ए एन इक्वल टू ए सी, ये दोनों आपस में इक्वल है। आपको प्रूफ क्या करना है? एन बी इक्वल टू एन सी, एन बी इक्वल टू एन सी, ये इक्वल प्रूफ करना है। हाउ यू प्रूफ दिस दैट दीज आर इक्वल? देखो बेटा ध्यान से सुनना, इस ट्राइंगल में अगर ये 52 डिग्री है गिविन, ऐसा लिखेंगे बेटा गिविन, अगर बेटा आपको ए एन इक्वल टू ए सी दिया है तो एंगल ए एन सी इक्वल टू एंगल ए सी एन, ए दोनों आपस में इक्वल होंगे और ए वाला होगा एंगल अपोजिट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? ठीक है ना? एंगल इक्वल, हाँ, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ये आपको प्रूफ करना है ना? आपको टू प्रूफ क्या करना है? और आपको टू प्रूफ में करना है बी एन इक्वल टू सी एन, बी एन और सी एन इक्वल बताना है, चाहे इसको एन बी बोल सकते हो, एन बी इक्वल टू एन सी। ठीक है, हम प्रूफ करते हैं इन ट्राइंगल ए सी एन, ए सी एन में जाते हैं तो बेटा एंगल ए एन सी प्लस एंगल ए सी एन
प्लस एंगल एन ए सी, तीनों का सम 180 डिग्री होगा ट्राइंगल का। अच्छा ए एन सी और ए सी एन आपस में इक्वल है तो हम ए एन सी की जगह भी ए सी एन लिख देते हैं, क्योंकि हमें ए वाला एंगल चाहिए ना, ए वाला पता चलेगा तभी हम कर पाएंगे। और ये कितना दिया है हमें 52 डिग्री, एक टू एंगल ए सी एन इक्वल टू 180 माइनस 52। एंगल ए सी एन इक्वल टू 128, एंगल ए सी एन इक्वल टू 64। ए सी एन कितना आया 64, मतलब ए वाला 64 आ गया। अब आप जानते हो लाइन के सारे एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, लाइन के सारे एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। हाँ देखो, एंगल बी सी एन प्लस एंगल ए सी एन प्लस एंगल ए सी के, तीनों का सम 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल बी सी एन, बी सी एन कितना है वो निकालना है, प्लस ए सी एन 64, ए सी के 84 इक्वल टू 180, एंगल बी सी एन 148 इक्वल टू 180, एंगल बी सी एन इक्वल टू 180 माइनस 148 32 डिग्री। बेटा ये कितना आ गया 32 डिग्री, सॉरी 32 डिग्री। अब आपको ए वाला और निकालना है, ए भी 64 है और आप जानते हो कि ए वाला अंदर के दो एंगलों का सम बाहर के एक्सटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। तो इसके बाद देखो मैं इधर कर दे रहा हूं आफ्टर, आप जानते हो कि एंगल बी सी एन प्लस एंगल सी बी एन इक्वल टू, ये 64 आया इक्वल टू 64 डिग्री। एंगल बी सी एन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब बी सी एन सी बी एन, ये बी सी एन तो अभी यार निकाला 32 डिग्री और सी बी एन, तो सी एंगल सी बी एन भी कितना आ जाएगा 32 डिग्री। बेटा ए भी 32, ए भी 32, दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल बी सी एन इक्वल टू एंगल सी बी एन। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो आप क्या बोल सकते हो, एन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एन सी, और कौन सी एंगल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल है, अगर इक्वल एंगल है आर इक्वल, ठीक है ना, ठीक है, बाकी हम लोग बाद में करते हैं। थैंक यू।